एडजस्ट नहीं हो रहा है वो कि कैसे मेरे जगह में सामान रख दिया। बैठो बेशो, गुड बॉय, कीप इट अप, बैठो बैठो बैठो, पूरा बैठो। उसको बहुत ही हो रहा है कि मेरे जगह में काहे रख दिया ऐसे। क्या हुआ? ओए मेरे साथ सुबह नाश्ता पे बैठा है अभी सोच रहा है ना कि हमको नाश्ता मिल गया है। कैंडी हमको भी नहीं दिए थे जादी, कैसे होगा? ओए क्या किया जाए, किडनैप करके मार दिया जाए? हाँ हम लोग दोनों को भूखा रखने के जुर्म में, क्या कहता है तुम? नाश्ता करने आया था बेचारा। कोई मेरे साथ नाश्ता करने के लिए बैठा है बट नाश्ता अब तक आया नहीं है। मेरा जो गला है ना बेबी वैसे ही है, यू नो कफिंग। क्या हुआ बाबू, नहीं आया नाश्ता? तुमको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला है। दोनों भी वेट कर रहे हैं नाश्ता के लिए। और कैंडी अभी ना, कैंडी जरूर से जादी को काट देगा, पक्का काटेगा, दौड़ा दौड़ा के काटेगा, क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं दिया हम लोग को। और सोच रहा है ना कि हम बैठ गए डाइनिंग टेबल पे तो हमको तो नाश्ता मिल गया होगा, तो टेबल पे बैठा है मेरे पास आके। दिखाते हैं आपको कैसे बैठा है। नो ले आओ, दरा लो लो, आ जाओ, लो आ जाओ, लो लो, मेरा फिरकी लेती है तुम लोग। बोलो कैंडी, हाय ले छोटा बच्चा का पूरा बॉडी में बाल खड़ा हो गया है। हाँ कैसे होगा भाई तुम्हारा ऐसे, आ जा कैनी। बोली तेरे से ज्यादा नाश्ता लेके नहीं आई ना, तो सच में जान खा जाएगा। एक थोड़ी देर में मेरे को देखता है, फिर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देखता है। जाओ कैंडी बुला के लाओ, जाओ, क्या हुआ तुमको? नाश्ता नहीं मिला सोनू को? हाँ पुज्जू, नहीं डोंट टच मी, तब तक तो मुझे नाश्ता नहीं देती हो। पाव पकौली नाश्ता खाना है इसको, नाश्ता खाना है सुबह सुबह है ना, रोटी खाना है कि नहीं, इसीलिए डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहा है, कभी तो नाश्ता आए और हमको मिल जाए, है ना, है ना हीरो। ओए हीरो, ओए कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई, सबको बस नाश्ता चाहिए। गेट खुला, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है बस। अभी से इंतजार कर रहा है तेरा, वो अब आएगी लेके। चलो दोस्त का दूध ले आई ना तुम। चलो चलो दूध दो जल्दी, अभी से इंतजार कर रहा है डाइनिंग टेबल में बैठ के। आ चुका है हमारे पास हमारा प्यारा सा नाश्ता, है ना कैरी, चाहिए चाहिए तुमको? आ जा इधर, लो लो कैंडी इधर आओ, लो। फाइनली हमारा नाश्ता जो है ना मेरा और कैंडी का आ चुका है, कैंडी भी टेबल में बैठ चुका है डिनर टेबल पे। चलो किसको खाना है, रुको इधर से आओ, चलो इधर से आओ, उधर से आओ। बुखड़ इसको सबसे पहले चाहिए होता है, तो आज हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे सूजी और बेसन का चिल्ला है जो कि मेरा फेवरेट है, और ये ना प्लेन वाला बना हुआ है। सजादी इसको बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा, और सुबह ये मिल जाए उनको बहुत मजा आता है, मतलब हमको आटा कर जो रोटी है ना उस ज्यादा अच्छा ही लगता है। और आप देख रहे हो मेरे से पहले खत्म कर चुका, अभी तक हमें एक टुकड़ा नहीं खाया है अपने रोटी का। हाँ तो ये सुबह में भी नाश्ता करेगा मेरे साथ में,
तो चलिए एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा नाश्ता कंप्लीट तो होने वाला है नहीं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का चाय के साथ में। मुझे नसर डिप करके खाना पसंद है। कमेंट करना किस किस को ऐसे पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। ना पूछ रहा किसी को पसंद है कि नहीं। देखिए इसको, इधर से भी खाना है इसको, इधर से भी खाना है, मतलब जंग होता है इस टाइम तो नाश्ता के टाइम। दे रहे ना, मम्मी नहीं खाया अपना, हमको तो खाने दो कम से कम, वेट भी नहीं होता इससे। चलिए मैं नाश्ता के बाद मिलती हूँ आपसे। उफ क्या मजा आ रहा है ना, सी हमको भी दे रही है, बहुत ठंडा है। हम लोग दोनों ना सेम लुक में हैं तीनों, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है। चम्मच से खाना है, हाथ से अच्छा लगेगा। टेस्ट तो हाथ ही मजा आएगा, घी डाले पूरा मिला ही नहीं। हम देखते हैं थोड़ा सा खा के कैसा बनाई है। कौन सा चावल का बनाई है? वही सभी चावल बाफ मते, बहुत मस्त लग रहा है। पुलाव फेल, मैं तो वेज पुलाव फेल कर दी, बहुत टेस्टी बनाई है। हमको इधर किनारे खाए, तू तुम भी आ जाओ। टेस्टी बना है बहुत अच्छा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा खा के। देखो आपको देखो ना, आखिर में चम्मच को गोली मार दी। देसी लोग चम्मच से कौन खाता है, और अभी खिचड़ी चम्मच से कौन खाता है? नमक ज्यादा नहीं लग रहा नहीं, वो तुमको सर्दी है। हम लोग तीनों नमक ठीक है जी। हाँ बोलिएगा, पापा तो खाने जो खाने लगे हैं बातें नहीं करते। पापड़ मेरे को भी दो। उफ क्या मस्त सीन, आग लग गई बस्ती में। घी क्या मस्त दिख रहा है, मटर वाला खिचड़ी। अच्छा आलू गोभी मटर फ्रेश बीन वाला खिचड़ी है, और टमाटर की चटनी। क्या चिल्ला रहा है बाहर भूख से, वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। हाँ मेहनत चल रहा है रूम में कोयला गर्म करने का, क्योंकि ये जो रूम है ना जिसमें हम लोग सोते हैं काफी ठंडा रहता है, तो यहाँ पे मैं इसे जलाने का कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हो ही है, भाई कैंडी क्या कर रहा है तुम? भूख लग रहा है इसको। हाँ भूख, अभी चार पूड़ी कौन खाया है? हा? चार पूड़ी खाने से हो रहा है सब, का हरकत है सब तेरा? देखो ना कैसे बैठा है तू, हाँ बच्चा जैसा। सूखने देना उसको, वो खाने का चीज नहीं है, उसको छूना मत तुम। खाने वाला नहीं है जी, अगर वो सूखा नहीं कैंडी तो देखना तुम उसके बाद। मेकअप करेगी तेरा, ते तो तेरा ही मेकअप कर देंगे पूरा हम। काला काला गोरा भाई काला हो जाए। तो यहाँ पे सारा सोया चिल्ली का जो चिल्ली है ना वो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है, ये काफी अच्छे से फ्राई हो गया है और बहुत कम ऑयल है, देख सकते हो नजर नहीं आ रहा है। तुरंत फ्राई करने से यही फायदा है। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है चिल्ली के लिए, आप देख सकते हो छोटा छोटा मैंने बारीक जिंजर और ये गार्लिक काट लिया है, और मिर्च है जिसमें हरा और लाल मिर्च वाला, मतलब आप देख सकते हो ये वाला कटिंग कर लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे प्याज भी कटिंग कर लिया है। तेल मेरा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो मैं अभी डाल दूंगी इसे। सबसे पहले हमारा लहसुन और मिर्च जो है ना वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे सॉटे कर लूंगी। इसे सॉटे करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बाकी का। इसका रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, तो मैं इसका लिंक आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है? ये बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली इसमें मैंने 2 चम्मच शेजवान सॉस भी ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ में जाएगा इसमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट और टोमेटो सॉस,
रेड चिली पेस्ट मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लेना, बट शेजवान सॉस में ऑलरेडी वो तीखा होता है तो कोई और एक्स्ट्रा नीड नहीं होगा मुझे। इसे जस्ट फ्राई करूँगी थोड़ी देर और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। तो यहाँ पे मैं 3 बड़ा टेबल स्पून के जैसे डाल रही हूँ इसमें सॉस, टोमेटो सॉस। अरे खुल जाओ, खुल गया। और यहाँ पे भी डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून के जितना ग्रीन चिल्ली सॉस और इसे मैं सॉटे करूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा चिल्ली जो है ना सोया चिल्ली बन चुका है, बहुत टेस्टी बना है गाइस। 10 रुपए का मम्मी को दे के आते हैं मम्मी को खिलाते हैं 10 रुपए का सोया चिल्ली। लो मम्मी 10 रुपए दे देना हमको। हाँ तो 10 रुपए पकड़ो, दे देना हमको 10 रुपए सोया चिल्ली। आगे बताओ कैसा लग रहा है। हाँ अभी लेके बैठे हैं, खाइए। क्या नहीं खा रहे हैं उसको, आप खा रहे देखो। और हम लोग को एक रोल में डालना है इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। देखो आपका सॉस तो सुपर है ना। कहे नहीं, इतना अच्छा बना है। तो ये रहा शहजादी का रोल जो कि बहुत टेस्टी दिख रहा है। ये है शहजादी का एग सोया चिल्ली का रोल जिसको शहजादी खाएगी। इसको यहाँ पे प्लेट में रख देते हैं टेबल में। कैंडी को चाहिए एग रोल लो कैंडी आओ। कैंडी को चाहिए एग रोल और यहाँ पे बनाई है मम्मी एग रोल, एग रोल विद सोया चिल्ली। तो आप भी इसको घर में ट्राई कीजिए गाइस एंड प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये हमारा रात का डिनर, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक प्लेट जो है खत्म हो चुका है। यहाँ मम्मी जा रही है खाने और कैंडी परेशान है कि इसको क्यों नहीं मिला।